मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दिल्ली से ग्वालियर आ रहे सराफा कारोबारी के पास से 2 किलो अवैध सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में व्यापारी के पास से वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले हैं। फिलहाल कारोबारी से पूछताछ जारी है। आरपीएफ को एक मुखबिर सूचना मिली थी, जिसके माध्यम से एक दिल्ली का एक व्यापारी था अभिजीत करके नाम वाला, उसके साथ में और एक था, उसको मुखबिर के आधार पर रेलवे प्लेटफॉर्म पे ग्वालियर में पकड़ा गया है। उसके पास चेक करने पर लगभग 2 किलो सोना बरामद हुआ है। मैं उसका GST बिल वगैरह नहीं है अभी तक, जिसकी वैधानिक कार्रवाई हेतु GST अधिकारियों को संपर्क किया गया है और वो आ रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।